सबसे पहले मैं लियाकत खान साहब और इनके साथ इनके दोस्त और इनका इनके तमाम बच्चे जो माशाल्लाह जिनका जज्बा मैंने देखा इंतहाई खुशी हुई, इन सब का इंतहाई मशकूर और शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पर मदू किया। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ एक मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आज का दिन सब लोग ये जानते हैं कि हमारी अजीम पाक फौज और जैसे ये चार्ट लगा हुआ है, ये अजीम लोग, ये हमारी पाक फौज जिन्होंने इस पाक धरती, इस मां धरती की खातर अपनी जानों का नजराना पेश किया और दुश्मन को ये बात बता दी कि पाकिस्तान आर्मी किसी सूरत अपने दुश्मन से पीछे नहीं हटेगी और उसकी आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। और मुझे पाक फौज पर फख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को ना सिर्फ दुश्मन बल्कि पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि पाकिस्तान की पाक अफवाज दुनिया की बेहतरीन पाक अफवाज में शामिल है। और एक बात, जैसे लियाकत भाई ने बड़ी तफसील से ये बात बताई है, इंतहाई खुशी होती है कि लियाकत साहब अरसा प्रैक्टिकली 15 साल से ये जो मैं से इंस्टीट्यूशन कहूँगा, ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है इसमें हमारे बच्चों की इंतहाई पॉजिटिव एक्टिविटी है। क्योंकि जैसे जैसे आप सबको पता है मैदान हुआ करते थे, एक्टिविटीज हुआ करती थी, बच्चों को रिलैक्स मिलता था, आज इंतहाई कंजेस्टेड ये एरिया हो गए हैं। अगर ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज में वालदैन अपने बच्चों को एडमिशन उनका करवाएंगे तो जो बुराइयां अभी राजा असगर साहब ने बताई हैं वो बुराइयां हमारे माशरे में जन्म लेंगी। इसीलिए लेंगी कि हम अपने बच्चों पे नजर नहीं रखते और उन्हें पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ नहीं लेके जाते बल्कि ये समझते हैं कि ये फजूल काम है। सबसे अच्छा काम यह है कि हम अपने बच्चों का 2 घंटे निकाल कर ऐसी एक्टिविटीज में उनको डाल दें ताकि यही बच्चे इसी तरह के हमारे हीरोज बनेंगे। कल ये हमारे मुस्तकबिल हैं और इंशाल्लाह इन्होंने पाकिस्तान की क्यादत करनी है, पाकिस्तान की देखभाल करनी है। और मैं लियाकत साहब का इंतहाई मशहूर हूँ कि जो उन्होंने हमें दावत दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।